हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगी कंटूरिंग। तो यहाँ पे आप डार्क कलर देख रही हैं, मेहरून कलर जिसे हम बोलते हैं, डार्क मेहरून कलर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले नोज से और अपने हाथों से लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों के पास ब्रश नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आज हाथ से सिखा रही हूँ। देखिए, मेरी जो आँखें हैं उसके बीच वाला जो पार्ट है वो पतला पहले से है, और मैं उसको और पतला नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी आँखों की आईब्रो जो है वो काफ़ी दूर से है, तो अगर मैं कंटूरिंग कर रही हूँ तो उससे अटैच कर दूँगी, फिर आईब्रो को बनाऊँगी, तो हमारी आईब्रो जो है वो काफ़ी नज़दीक दिखेगी, जो भी स्पेस है वो नहीं दिखेगा। मेरी नाक जो है वो आगे से ब्रॉड है, थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं आगे से उसको पतली करूँगी, आगे से वो झुकी हुई है। और मेरे जो साइड, मैंने कहा ना कि मेरी नाक जो है वो आगे से बड़ी है, तो मैं यहाँ पे भी जो राउंड में हमारी नोज के पास राउंड में होता है उसको भी मैं छोटा कर रही हूँ। साइड से आप देख रही हैं कि मैं साइड में भी थोड़ा सा लगाऊँ, तो एक साइड कम लग रही है। फिर मैं इधर साइड में जहाँ पे कील पहनती हैं आप लोग, वहाँ पे भी लगाना है। तो आपको दोनों साइड एक बराबर में लगाना है, और आगे ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे, पीछे आपको आईब्रो से अटैच कर देना है। यहाँ पे आप देख रही हैं कि बहुत हल्का अटैच रहेगी, तो इससे हमारी आईब्रो में जो हमने जो दूरी है वो नहीं दिखाई देगी, दूरी समझ में नहीं आएगी, अटैच हुई दिखाई देगी। हमारी आईब्रो जो है वो नोज से अटैच होगी, और हमारी जो नोज है वो आईब्रो से अटैच होनी चाहिए, ऐसा शेप हमारा अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से नीचे की साइड ब्लेंड करना है, ध्यान देना है हल्के हल्के हाथों से, उसके ऊपर ना जाए जो पतली नोज आपको करनी है। देखिए, कोई भी चीज़ बिना अभ्यास के नहीं आती है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उन सब का अभ्यास बहुत अच्छे से करिए। हमें लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, तो जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस करें हो सके तो मुझे भेजें उसका वीडियो। यहाँ पे आप देख रही हैं कान की जो एंडिंग है, जहाँ से जुड़ा होता है वो एंडिंग, ठीक है, जहाँ कंप्लीट होता है कंप्लीट है, वहाँ तक नहीं, जहाँ से जुड़ा होता है। और आपको ये जो है एक कंफर्ट, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं चूसते हैं, उस तरीके से अपने मुँह को बनाना है। यहाँ पर मैं सिंपल से लगा रही हूँ दोनों तरीके से, ये देखिए, और ये आपको एक लाइन ड्रॉ कर देती है कि आपको अब यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देने, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊँगी, कि जिनके गाल बहुत ब्रॉड होते हैं बड़े होते हैं उनको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, जिनके गाल बहुत छोटे होते हैं उनको थोड़ा सा डाउन रखना चाहिए। तो ये भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में हर में, लेकिन ये जो एक बेसिक स्टार्टिंग जो होती है कंटूरिंग का, वो है कि ये नॉर्मली हर किसी के फेस पर इतनी दूर की जाती है, ठीक है। तो इसको हल्के हल्के हाथों से आपको ऊपर के साइड ब्लेंड करते हुए जाना है, क्योंकि मेरा बीच वाला जो पार्ट है वो बड़ा है और साइड से नीचे से ऊपर से पतले हैं। तो इसी तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करते हुए जाना है हाथ से, तो इस तरीके से आपका वहाँ का गाल पतला दिखेगा। अब मैं इसको जो है ब्रश की हेल्प से, यहाँ पे मैंने ब्रश देखते हैं कि कौन सा मिल जाता है, क्योंकि इस समय पिंकी जो मेरे साथ रहती हैं वो अपने घर गई हुई हैं, तो वही सब कुछ रखती हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे मिल भी नहीं रही थी। तो मैं किसी तरीके से इधर उधर से करके अभी वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। पर हाँ, यहाँ पर ब्रश मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, बहुत कम से कम, ताकि वो आप सब लोग के पास ना हो तो ये टेंशन ना हो कि मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं कैसे करूँ। इसलिए मैं स्पेशली इसको बिना ब्रश के, ज़्यादातर मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि बिना ब्रश के आपको बताऊँ, अगर ब्रश नहीं है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से, यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसलिए बता रही हूँ, ताकि आपके पास अगर कुछ नहीं है ब्रश तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको हल्के हल्के हाथों से, इसको ऊपर की साइड आपको टैप करना है, नीचे की साइड बिल्कुल नहीं टैप करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के कल के वीडियोज़ में ये कमेंट आया है, आप देख सकती हैं कि दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा, इधर का गाल आपको पतला दिखेगा, कि मैम मेरा जो जब भी हम फाउंडेशन या कुछ भी लगाते हैं तो वो उसको मैं खींचना पड़ता है, कल मैंने कहा टैप करना होता है, तो उन्होंने कहा खींचना पड़ता है, तो प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं होता है तो उसे आपको खींचना ही पड़ेगा, और अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर भी अच्छा नहीं है तो आपको खींचना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि कंटूरिंग का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कंटूरिंग से और फेस ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको करने का तरीका अच्छे से आता है तो कंटूरिंग बहुत बहुत हमारी ब्यूटी के लिए, हमारी मेकअप में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकती हैं मेरे गाल जो है थोड़े चर्बी वाले हैं, बड़े हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड इसको करती हूँ, बहुत नीचे कर देने से वो चर्बी वाले गाल अलग अलग और ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को कर रही हूँ। इस तरीके से आप देखिए, थोड़ी सी जहाँ से स्टार्ट करती है वहाँ चौड़ाई रहेगी, और आते आते वो पतला हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए जाना है।
आप देख सकते हैं कि कितना अंतर आपको दिखने लगता है इससे, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे तब तक आप एडवांस मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ें सीखना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट में आएंगे, वरना सिर्फ बेसिक में ही रह जाएंगे। इसके बाद हम जो है, अब ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इधर साइड की थोड़ा चौड़ा लग रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा लेकर और ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरा दोनों एक साइड एक बराबर आए। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं दोनों साइड से थोड़ा पतला दिख रहा है। अब मुझे जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा, जैसे कि अब मैं नोज को टैप कर रही हूँ इस तरीके से, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से उसके साथ मिलाऊंगी, कनेक्ट करूँगी आईब्रो के साथ। और अगर आपकी आईब्रो जुड़ी हुई हैं काफ़ी फास्ट में हैं, तो आपको ये चीज़ें आईब्रो को जोड़ते हुए नहीं जाना है, फिर आपको सिर्फ आगे ही रखना है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, धीरे धीरे करके हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आपको काफ़ी कुछ सब कुछ बताएंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। अभी आई का बाकी है, तो आई का भी मैं नेक्स्ट उसको, एक्चुअली क्या है ना कि मैं बुक में बता दिया, पर आप लोगों को अभी उतना नहीं समझ में आया, मुझे भी लग रहा है कि आप लोग को नहीं समझ में आया, तो मैं उसके लिए कुछ इमेज वगैरह कुछ उसको सिलेक्ट कर रही हूँ और एडजस्ट कर रही हूँ कि आपको समझा सकूँ अच्छी तरीके से, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पर आप देख सकती हैं कि हमारी आईब्रो अब कनेक्ट लग रही है हमारी नोज से जाते हुए, और हमारी नोज जो है वो पतली लग रही है। अभी पतली ज़्यादा इसलिए नहीं लग रही कि अभी हाइलाइटिंग नहीं की हुई है। मतलब हाइलाइटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि उस हिस्से को, जैसे कुछ हिस्से को हमने दबाया, तो कुछ हिस्से डार्क कलर लेकर हमने दबा दिया, और अब लाइट कलर उसी फाउंडेशन को, अभी यहाँ पर कोई ऐसा हाईलाइट नहीं करना है, उसी कलर को लेकर करना है। मतलब उस कलर से, जैसे कि हमने दो सेट अपनी स्किन टोन से दो सेट डार्क जो है हाईलाइट कर देते हैं, दो से तीन सेट, और दो से तीन सेट को हम हाईलाइट करने के लिए लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे डबल चिन जो होता है उस साइड को छुपाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मेरा नीचे वाला हिस्सा भी थोड़ा सा जैसे भरा हुआ है, जैसे बोल सकते हैं गोल है, तो गोल ही फेस पर ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत भारी भारी होते हैं, तो उनको पतला दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बीच में स्पेस रखना होगा, पहली कंटूरिंग के दूसरी कंटूरिंग के बीच में, एक साथ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि अब नीचे से भी हमारा जो नीचे का हिस्सा है, डबल चिन जहाँ पे है निक, वहाँ से भी हमारा पतला दिखेगा फेस, तो हमारा ऊपर और नीचे पतला, बीच में थोड़ा सा ब्रॉड। तो ये जो क्या होता है ओवल फेस में आता है, तो ये ओवल फेस काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से हमारा फेस का एक आकार बनेगा, तो वो फेस जो होता है वो परफेक्ट शेप होता है। तो इसी तरीके से लाने के लिए हम सभी के फेस पर कंटूरिंग करते हैं, और इसी को हम 3D भी मेकअप कहते हैं, जिसमें हम अपने किसी भी पार्ट को बहुत दबाकर किसी भी चीज़ को उभार देते हैं, और जिस भी डायरेक्शन से देखते हैं हमें वो उसी तरीके से दिखाई देती है। सामने से देखते हैं तो हर चीज़ वैसी, साइड से देखेंगे तो भी वैसी, इस साइड से देखेंगे, क्योंकि 3D कहते हैं, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 साइड। अब यहाँ पे मैं वही बेस ले रही हूँ जो मैंने पहले लगाया हुआ था, उसी बेस को मैं ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा एल्यूमिनेटर मिला ली हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो हाईलाइट करेगा अच्छी तरीके से। तो मैं हाईलाइट पार्ट आप देख सकते हैं कि आई के नीचे अंडर आई डार्क सर्कल जहाँ पे होता है वहाँ पर मैं वहाँ पर हाईलाइटिंग पॉइंट होता है नोज पे किया, फिर जहाँ पर हमारा आईब्रो होती है बीच सेंटर में वहाँ पर हमने किया, फिर यहाँ पर चिन पे कर लिया, और ये अपर लिप्स पर, ठीक है, और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा जो है लिप्स के कॉर्नर पर। तो ये हमारे हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, और जो पहले किया वो हमारे जो है कंटूरिंग होते हैं। एक में हमने बहुत पहले वीडियोस में बताया था कि हम 4:8 पर करते हैं, पर 4:8 मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा मेरा 4:8 होना चाहिए वैसा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा जो है, जैसे एक अंडे का आकार होता है ना, ऊपर से पतला नीचे से पतला बीच से थोड़ा, तो ये आकार जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरीके से ऑलरेडी मेरा 4:8 उसी तरीके का है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, पर नीचे वाला हिस्सा नहीं है तो उसको मैंने किया हुआ, आप देख सकते हैं। आप मेरा आफ्टर बिफोर फोटोज़ भी देख फोटो भी देख लीजिएगा, अभी मैं आगे दिखा दूंगी, तो आपको कितना अंतर फेस में दिखेगा, पतला फेस दिखने लगेगा, क्योंकि मेरा फेस तो है थोड़ा सा भरा भरा सा है, तो इसलिए आपको पतला दिखेगा मेरा फेस।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हाइलाइटिंग भी अच्छे से हाईलाइट हो रही है, कंटूरिंग भी जो हमने की हुई थी नाक को पतला करने के लिए वो भी पतली दिख रही है। तो यहाँ पे अगर कंटूरिंग कर देते हैं, हाईलाइट नहीं करते हैं, तो फिर कंटूरिंग भी उतना उभर कर नहीं आता है, मतलब जिस हिसाब से हम करते हैं। तो इसलिए दोनों को बैलेंस आपको बनाना पड़ता है, और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से ही आती है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया और विश करना आ गया, इस सब को आपको प्रैक्टिस में लाना ही होगा। पर डे आप कुछ ना कुछ डेली प्रैक्टिस करिए, किसी दिन सिर्फ कंटूरिंग करिए, किसी दिन सिर्फ वेस बनाइए। तो इसी तरीके से मैं खुद भी आपको सिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके चीज़ें आएंगी। अगर आप सोचो एक ही दिन में मैं सब कुछ सीख जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद अब आप जो है लूज़ पाउडर लगा लीजिए, और फिर अब मैं आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप का मैंने नहीं दिखाया हुआ है आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही थी, और थोड़ा सा क्या है ना कि अभी कैमरे में पता नहीं लाइट कम हो गई है, क्या कारण है कि बहुत अच्छे से क्लियर से वो दिखाई नहीं दिया, और लाइनर भी मेरा सूख गया है, मुझे लेने हैं, तो इसलिए मज़ा नहीं आता आई मेकअप करने में, दिखाने में, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। लेकिन मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए और सारी ब्राइडल्स की आई कट क्रीज और डबल कट क्रीज, डबल बिंग, ये सब कुछ लेकर आने वाली हूँ। तो अब मैं आई मेकअप करूँगी, इसके बाद लिप कलर मैं जो है देखती हूँ उसको कल डालूंगी, या मेकअप कोर्स चैनल पर जाएगा। इसको भी मैंने मेकअप कोर्स चैनल पर ही सोचा था, पर अभी मैं इसी पर डाल रही हूँ, क्योंकि इसका आगे वाला पार्ट आप लोगों ने इस पर देखा है, तो मुझे लगा कि इसी चैनल पर मुझे डालना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपका सेकेंड वाला चैनल कौन सा है, तो उसका मेकअप कोर्स चैनल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो पहला जो चैनल होगा वो मेरा आएगा। अगर सिर्फ मेकअप कोर्स से करेंगे तो फिर नहीं आएगा, मेकअप कोर्स चैनल के नाम से करेंगे तो आराम से मिलेगा। तो आपको फाइनल लुक हम अपना दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा जो है नीचे वाला पोर्शन पतला दिख रहा है, ऊपर वाला पतला दिख रहा है, बीच का थोड़ा सा भरा दिख रहा है, और ये देख सकती हैं कुछ पतला सा फेस दिख रहा है। तो ये फाइनल लुक है मेरा। तो लिप का मैं किस तरीके से लगाना, लिपस्टिक, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।